अभी भजन सुन रहे थे, सबके गुण अपनी गलतियां देखा करो, दूसरों की अच्छाइयां और अपनी कमियां अपनी बुराइयां, दूसरों के सद्गुण और अपने दुर्गुणों को देख देख करके, दूसरों के सद्गुणों को अपनाते जाना और अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ते जाना, इसी का नाम भजन है और इसी का नाम धर्म है। भजन और धर्म के नाम पर हम बहुत ऊंची ऊंची बातें कर लेते हैं, लेकिन जिनसे जीवन में बदलाव आएगा, व्यवहार में, परिवार में बदलाव आएगा, उन बातों पर ध्यान नहीं देते। सुबह आप उठे, उठकर बिस्तर पर बैठ जाए, आप किसी मत को मानने वाले हो, मतपन से मेरा मतलब नहीं है। यहां अनेक लोग बैठे हैं, कोई कुछ मानता होगा, कोई कुछ मानता होगा, कोई कुछ मानता होगा, कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, कोई किसी गुरु का शिष्य होगा, ये आपकी मान्यता है और आपका विश्वास है। लेकिन जितने मत के मानने वाले हैं, सबसे पहले हम और आप लोग मनुष्य हैं। और जितने मनुष्य हैं, सबके कल्याण के लिए, सबके सुख शांति के लिए रास्ता एक है, अलग अलग रास्ता नहीं है। और वह है मनुष्यता का व्यवहार, दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों के मार्ग पर चलना और सद्गुणों का आचरण करना। आप एक अभ्यास करिए, यह अभ्यास सबको करना चाहिए। और जो अभ्यास, जो व्यक्ति अभ्यास कर लेगा, उसके जीवन से दुख सदा के लिए विदा हो जाएगा। कौन सा अभ्यास करना है? सुबह उठें और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। और आपके घर में जितने भी लोग हों, माता पिता हो, सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, भाई हो, गुतनी हो, ननद हो, देवर हो, या जो भी हैं, चाचा भतीजा, कुछ भी आप कह लो, घर में जितने भी लोग हैं, याद करो कि इसमें ये सद्गुण है, इसमें ये सद्गुण है, इसमें ये अच्छाई, सबके अच्छाई को याद करते जाओ। पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसी की अच्छाइयों को याद करते जाओ। रिश्तेदारों की याद आ जाए तो उनके अच्छाइयों को याद करो, दो तीन मिनट का समय लगेगा। जिनकी जिनकी याद आए, उनके अच्छाइयों को और उनके अच्छे कर्म व्यवहार और सद्गुणों को याद करते जाओ। जानते हैं परिणाम क्या होगा? जितना दूसरों के सद्गुणों को, अच्छाइयों को, अच्छे व्यवहार को याद करोगे, उतना ही
उनके लिए आपके मन में प्रेम जगेगा, श्रद्धा होगी, आदर भाव होगा और आपका मन कोमल हो जाएगा। अब मन जब कोमल हो जाएगा तब आपकी वाणी भी कोमल हो जाएगी और वाणी कोमल होने के साथ साथ आपका व्यवहार भी कोमल हो जाएगा। और जब मन कोमल है, वाणी कोमल है, व्यवहार कोमल है तो कुछ दिन बाद आप लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग से बढ़ करके है और आपको लगेगा कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो तो देवी देवताओं से भी बढ़ करके है और सचमुच में घर स्वर्ग से ज्यादा आनंददायक बन जाएगा। और कहीं इसके विपरीत आपने व्यवहार किया, सुबह उठे और घर में जितने जिनके भी याद आ जाए, बेटे बहू की, माता पिता के, सास ससुर, भाई भाभी आदि की, उनकी बुराइयों का जो आपने सोचना शुरू कर दिया, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इन्होंने मुझे ऐसा कहा था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, इन्होंने मेरा ये काम बिगाड़ा था, चार छह दस दिन तक ऐसा आपने याद किया, धीरे धीरे आपका मन उनके लिए कटु और कठोर बंदा चला जाएगा। एक देश के भाव, क्रोध का भाव उनके लिए आएगा। अब मन में जब द्वेष का, क्रोध का भाव आया, मन कटु हुआ तो वाणी कटु निकलेगी, वाणी कटु निकलेगी, व्यवहार कटु हो जाएगा, महीना बीतते बीतते आपका घर नरक से बदतर बन जाएगा। लगेगा कि मेरे घर के लोग तो सब शैतान और राक्षस है, ऐसे लोगों के पीछे रह करके क्या करूंगा, घर नरक से भी खराब हो जाएगा। अब आप सोच लो कि अपने घर को नरक से खराब बना करके रखना चाहते हो या स्वर्ग से भी अधिक आनंददायक, एक पैसा लगेगा नहीं, कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप किस भगवान को मानते हो, किस देवता को मानते हो, किस गुरु को मानते हो, यह आपकी मर्जी, लेकिन जीवन जीने का तरीका सही है या नहीं, कभी भी अहंकार मत करना कि हमारे गुरु तुम्हारे गुरु से बड़े हैं। हर आदमी अपने गुरु को बड़ा मानता है, मानना चाहिए। जब तक अपने गुरु को बड़ा नहीं मानेंगे तब तक अपने गुरु के लिए श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, समर्पण भावना नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। लेकिन अपने गुरु को बड़ा जरूर मानो किंतु दूसरे के गुरु को छोटा मत कहो। और जहां ये कहा हमारे गुरु बड़े तुम्हारे गुरु छोटे, वहां झगड़ा आ जाएगा। मेरे लिए जैसे मेरा गुरु बड़े, वैसे आपके लिए आपका गुरु बड़ा, उनके लिए उनका गुरु बड़ा, सबके गुरु बड़े हो गए, इसमें छोटा बड़े कहने की आवश्यकता क्या है भाई। अब ये धार्मिक लोग, भगत कहलाने वाले लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, हमारे गुरु बड़े तुम्हारे गुरु छोटे। किसी का गुरु छोटा नहीं होता, सबके गुरु बड़े हैं, इसलिए सबके गुरु को आदर दो और अपने गुरु की पूजा सेवा भक्ति करो। दूसरे गुरु आ जाए उनके भी जो बन सके आदर सम्मान कर लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका। और जो लोग ये कहते हैं हमारे गुरु बड़े और तुम्हारे गुरु छोटे, ऐसे लोग अपने गुरु को ही समझ नहीं पाए। और जो गुरु ये कहता है कि देखो तुमने हमसे दीक्षा लिया है, हमसे नामदान लिया है, तुमने हमसे गुरु मंत्र लिया है, हमको ही तुम गुरु मानना और दूसरे साधु दूसरे संत महात्मा के को गुरु मत मानना, उनको आदर मत सम्मान देता, वो गुरु ने भैया गुरुआ है, धोखेबाज। सच्चा गुरु कभी नहीं कहेगा
कि तुम अन्य संतों के पास मत जाओ। झूठा गुरु ही कहेगा कि उसको डर है कि दूसरे गुरु के पास जाएंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारे चेले हमारा साथ छोड़ देंगे। वो तो आपको मुट्ठी में बांध कर रखना चाहता है। सच्चा गुरु क्या कहेगा, बेटा मैं तो तुम्हें हर समय मिल नहीं सकता, मैं कहीं रहता हूं तुम कहीं रहते हो, इसलिए तुम्हारे गांव में या आसपास कोई भी संत आता हो, किसी मत पंथ के संत आते हो तो वहां जाओ, उनकी वाणी को सुनना, उसमें जो अच्छा लगे ग्रहण कर लेना, अच्छा लगे तो छोड़ देना। और तुम्हारे घर में कोई संत दूसरे मत के भी संत आ जाए तो जो बन सके आदर सत्कार सेवा करना। सच्चा गुरु यही कहेगा और यही रास्ता है प्रेम का, समता का, एकता का, कल्याण का। तो आप जिसको भी मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन जीवन को आनंद से जीना चाहते हो, स्वर्ग में स्वर्ग का जीवन जीना चाहते हो या नरक का जीवन जीना चाहते हो, याद रखना। मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलेगा धोखा है, मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग नरक है। अब वो हमारे हाथ में है, एक पैसा खर्च नहीं लगेगा मीठा बोलने में, मीठा व्यवहार करने में और मीठी बात सोचने में, क्या खर्च लगेगा आपको? जब मीठा बोल नहीं सकते, मीठा व्यवहार कर नहीं सकते, मीठी बात सोच भी नहीं सकते, तो आदमी और जानवर में अंतर क्या है? फिर स्वर्ग पाने का रास्ता, स्वर्ग जीने का रास्ता यही है, यही स्वर्ग का टिकट कह सकते हो आप। टिकट क्या है? ये स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। और ऐसा भी जो नहीं कर सकता है वो क्या भजन को समझा, क्या धर्म को समझा, क्या सत्संग को समझा और क्या अपने गुरु को समझा। इसलिए एक काम करो, बाहर भले मत कर पाओ, शुरुआत अपने घर से करो कि सुबह नींद जैसे खुले अपने घर के लोगों में से सबका छाइयों को याद करते जाओ। बुराइयां भी है उनके जीवन में, बुराइयों को मत देखो जैसे उनमें बुराई है वैसे आप में भी तो बुराई है, जैसे उनमें कमी है वैसे हम में और आप में भी तो कमी है, इसलिए कमी अपनी कमी को देखो, देख करके दूर करना है और दूसरे का छाई को देख करके धारण करना है, बस इतने जीवन बदल जाएगा। एक काम और करना है, हर गांव में मंदिर होते हैं, आपके गांव में भी मंदिर है, कोई गांव ऐसा नहीं होगा भारत में जहां किसी न किसी का मंदिर ना हो। और एक गांव में तो दो चार छह मंदिर हो जाते हैं, कई कई मंदिर होते हैं, लेकिन मंदिर होने के साथ साथ हर गांव में शमशान घाट भी होता है, कब्रिस्तान भी होता है, क्योंकि हर गांव में कुछ लोग कुछ ना कुछ लोग तो मरते ही हैं, सबको मरना है, सदा जीने के लिए कौन यहां आया है? और जब शरीर से जीव निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया, तो अंतिम क्रिया कहां करोगे? शमशान घाट में। क्रिया दो प्रकार से होती है, या तो लोग उसे चिता बना करके जला देते हैं, या जमीन खोद करके कब्र में दफना देते हैं। दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है ये कहना गलत, जहां जैसी स्थिति हो वैसे कर दो, हठ मत पकड़ो। और आज से हजारों साल पहले वेद में मंत्र आया है, ये निखाता ये परोपता ये दग्धा ये चोधिता, जो जिन्हें जमीन खोद करके गाड़ दिया गया है, जिन्हें जला दिया गया है, जिन्हें पानी में फेंक दिया गया है, प्रवाहित कर दिया गया है और जिन्हें खुली जमीन में छोड़ दिया गया है, वेद में चारों प्रकार की बात आई है।
जलाने की भी बात है, गाड़ने की भी बात है, पानी में फेंकने की भी बात है, और उसे जमीन में खुला छोड़ देने की भी बात है। हमारे देश में यहाँ तो इधर तो शायद कोई हो, गुजरात में और बंबई में पारसी धर्म वाले लोग रहते हैं। आज जिसे ईरान कहते हैं, ये पारसी लोग पहले वहीं रहते थे ईरान में। जब मुसलमान आए और मुसलमान ने जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाना शुरू किया और उनको मारना गाड़ना शुरू किया, तो भाग करके वो लोग भारत आ गए। और आज बंबई में, गुजरात में और जगह है नौसारी, सबसे अधिक पारसी वहां रहते हैं। तो उनके यहाँ रिवाज है, एक बड़ा सा घेरा होता है, 8-10 एकड़ का ऐसे कुछ घेरा होता है, ऊंची ऊंची दीवारें होती है और पेड़ होते हैं। तो पारसी लोगों में जो किसी शरीर छूटता है तो उसी दीवार घेरे के भीतर ले जाकर के लाश छोड़ देते हैं, चील गिद्ध कुत्ते आकर के खा जाते हैं। अभी भी होता है ये। तो वेद में चारों बातें आई है, जलाने की भी बात आई है, गाड़ने की भी बात आई है, पानी में प्रवाहित करने की भी बात आई है, और खुले में छोड़ने की भी बात आई है। मैं ये कह रहा था कि हर गांव में मंदिर होते हैं और हर गांव में शमशान घाट भी होता है। दोनों जरूरत है। मंदिर में जाकर लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों मानते हैं कि मंदिर में भगवान है, किसी की मूर्ति होती है, लोगों की भावना होती है कि ये मूर्ति भगवान है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उसके सामने। और शमशान घाट में एक बार ले जाकर फूंक दिए, फिर जिसको फूंक दिए हैं या गाड़ दिए हैं उसको दोबारा घर वापस नहीं लाते, क्योंकि वो सड़ेगा मुर्दा और बीमारी फैलाएगा। बस यही काम, यही बात हमें अपने जीवन में लाने की, उतारने की है। कैसे उतारना है? अपने हृदय में ही एक मंदिर बनाओ, एक कोने में, और एक कोने में शमशान घाट कब्रिस्तान बनाओ। अब करना क्या है मंदिर में, क्या करना है? आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनमें जो जो अच्छी बात दिखाई पड़े आपको, पिता में, माता में, बेटा में, बहू में, सास में, जो भी कोई अच्छी बात, किसी ने अच्छी बात कही, प्रेम की बात कही, उसमें कोई अच्छे आचरण है, अच्छे सद्गुण हैं, सद्गुण तो अच्छे होते ही हैं, उनमें जो सद्गुण हैं उनको अपने हृदय के मंदिर में विराजमान करते चले जाओ। जैसे लोग मंदिर जाते हो भगवान दर्शन करने के लिए मानते हो, तो अपने अपने परिवार वालों के जो अच्छाइयां हैं, सद्गुण सहचार है, उनको हृदय के मंदिर में विराजमान प्रतिष्ठित करते चले जाओ और रोज उसकी याद करो, रोज के दर्शन करो। लेकिन बेटा ने, बहू ने, माता ने, पिता ने, सास ने, या भाई ने, भाभी ने, ननद ने, भावत ने, किसी ने कुछ गलत बात कह दी, गलत व्यवहार कर दिया है, तो हृदय के शमशान घाट में दफना दो उसे। और मुर्दा को दफनाने के पश्चात खोद कर देखा नहीं जाता, दफना दो। और जितना से खोद कर देखोगे, 2 महीना पहले बेटा ने ऐसी बात कह दी थी, 2 महीना पहले पिता ने ऐसी बात कही थी, सास ने ऐसी बात कही, भाई ने, जितना याद करोगे सड़ेगा मन, क्योंकि मुर्दा का काम सड़ना है, बदबू फैलाना है, बीमारी फैलाना है। किसी की गलत बात को जितने याद करोगे मन सड़ेगा, बदबू फैलेगी, और मन तो बीमार होना ही होना, व्यवहार भी बीमार होना होना है। पूजा बहुत करते हैं, गुरु के चरणोदक भी पीते हैं, पैर भी धोते हैं, यही काम नहीं कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा की बड़ी ऊंची ऊंची बात कर लेंगे। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हमारे गुरु इतने बड़े थे, हमारे गुरु इतने बड़े थे, हमारे गुरु ऐसे ऐसे चमत्कार करने वाले थे, और उनके गुरु के चेले आपस में लड़ गए, गुरु अपने चेले के झगड़ा को बंद नहीं कर पाए, चमत्कार दिखाकर चले गए।
गुरु में चमत्कार था तो अपने चेले के चेलों के झगड़ा को समाप्त काहे नहीं कर देते थे। फिर ये जितने चमत्कार हैं केवल झूठाई है भाई। बिल्कुल दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है, केवल झूठाई है चमत्कार। कबीर साहब के नाम पर भी चमत्कार लोग कहते हैं कबीरपंथी, और सब झूठ है। चमत्कार जो दिखाते हैं ना उसके पीछे कोई कारण होता है। हाथ की सफाई होती है, वस्तु की बनावट होती है, और रासायनिक जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का मिश्रण होता है, उससे कुछ कुछ दिखाई पड़ता है। कई लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, हमारे गुरु बहुत बड़े सिद्ध थे, बड़े तपस्वी, अमुक भगवान की तपस्या किए थे, अमुक भगवान की तपस्या किए थे, भगवान ने उनको वरदान दिया था, बड़ी सिद्धि का वरदान दिया था, बड़े हमारे गुरु बहुत सिद्ध है, इतने सिद्ध है कि हमारे गुरु का फोटो हमारे घर में लगा हुआ है, और फोटो में जो फ्रेम है उसमें रोज भभूत झड़ता है, और भभूत को लोग ऐसे लगा करके मतलब तिलक भी लगा लेते हैं, इतने सिद्ध हैं हमारे गुरु, क्योंकि इनके फोटो फ्रेम से भभूत जड़ रहा है। चालबाजी। बड़े से बड़े गुरु के फोटो से भी भभूत नहीं झड़ेगा यदि फोटो का फ्रेम लकड़ी का या प्लास्टिक का हो। तब लकड़ी प्लास्टिक का फ्रेम लगा हो किसी के भी फोटो से भभूत नहीं झड़ सकता है। अब कुत्ता बिल्ली का भी फोटो है, एल्युमिनियम का फ्रेम है, तो वहां से भभूत झड़ जाएगा। भभूत हमेशा एल्युमिनियम के फ्रेम से झड़ता है। बहुत से लोग फ्रेम बना रखते हैं अपने गुरु फोटो बढ़िया एल्युमिनियम का लगाते हैं, वहां से भभूत झड़ेगा। क्यों झड़ता है? साइंस के विद्यार्थियों से पूछना, बहुत आप लोग पढ़े होंगे, हम यहाँ बैठे वाले अनेक लोग साइंस पढ़े होंगे, एक केमिस्ट्री वाले सब जानेंगे, एक केमिकल होता है मरकरी क्लोराइड। उस मरकरी क्लोराइड को जब एल्युमिनियम में रगड़ देते हैं, मालिश कर देते हैं, तो दिखाई नहीं पड़ता। तो मरकरी क्लोराइड को जब एल्युमिनियम से रगड़ते हैं तो बन जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर उसी से गर्म हो करके एल्युमिनियम झड़ता रहता है। वो भभूत नहीं है, एल्युमिनियम है जहर। तो केवल एल्युमिनियम के फ्रेम से चाहे फोटो जिसका भी लगा, कुत्ता बिल्ली चूहा का फोटो लगा दो तो भी झड़ेगा। ये तो चालबाजी ही लोग समझ नहीं पाते, कहते हमारे गुरु बहुत बड़े सिद्ध है। इसमें गुरु का दोष नहीं है, दोष चेलों का होता है। अपने को दूसरों से बड़ा बताने के लिए चेले लोग बहुत षड्यंत्र करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? पुजाने खाने दक्षिणा का लालच। ऐसा नहीं करेंगे तो भगत लोग फंसे कैसे रहेंगे जाल में? भक्तों को अपने जाल में मुट्ठी में फंसाने के लिए तमाम गुरु लोग ये चमत्कार का धंधा करते हैं। ये चमत्कार जितने सब धंधेबाजी है, इसलिए चमत्कार के पीछे दौड़ना मत। कई बार ऐसा होता है, कोई ज्योतिषी आता है तुम्हारे घर में, कोई तांत्रिक आता है, कोई झाड़ फूंक करने वाला ओझा बैगा आता है, पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, जो फूंकता हो झाड़ता है और भूत भभूत भूत प्रेत भगाता है। तुम्हारे सामने कोई समस्या आ गई है, घर में कोई बीमार हो गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, व्यापार में घाटा हो गया, बेटे की या पति किसी की नौकरी छूट गई, परिवार में किसी की मौत हो गई, लगातार ऐसी चार छह घटनाएं घट गई, आदमी संदेह में पड़ जाता है कि देवता नाराज हो गया, कि भूत किसी ने कुछ कर दिया है, कि भूत प्रेत को उत्पात है, कि ग्रह टेढ़ा हो गया है, परेशान। और आप जाते क्या हो, कहां जाते हो? झाड़ फूक करने वाले के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी साधु बाबा के पास,
अब जाओगे तो समझ जाएगा कि इसके सामने कोई ना कोई समस्या है। अब बताओगे महाराज जी ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, ऐसी तकलीफ है, तो क्या कोई बात नहीं बेटा, वो आंख बंद कर लेगा और नाटक करेगा, ऐसा लगता है कि कोई कुछ ध्यान कर रहा है कि बेटा तुम्हारे घर में कोई जबरदस्त प्रेत आ गया है या ब्रह्म राक्षस आ गया है या अमुक आ गया है, उसी कारण से सब हो रहा है। महाराज क्या करना पड़ेगा? समस्या तो बड़ी गंभीर है बेटा, लेकिन कितनी बड़ी समस्या हो समाधान तो मिलेगा मिले, क्या करेंगे? पूजा करवानी पड़ेगी तुम्हें, ये सामग्री लगेगी, इतनी दक्षिणा लगेगा, अब फिर हम अगर पूजा कर देंगे और तुम्हारे सामने ही वो ब्रह्म राक्षस को या प्रेत को या भूत को या और किसी को हम आग में भस्म कर देंगे और तुम्हारा सब संकट दूर हो जाएगा। आप तो परेशान होइए हो, ठीक है महाराज आ जाइए, वो आएगा, नाटक करेगा, दिखावा करेगा, पूजा ये पूजा करने का, वो पूजा करने का, इसे नारियल ले आएगा और ये कमरा मुकाम में जा करके ऐसे कुछ मंत्र पढ़ने का भी नाटक करेगा वो, और फिर वहां रख देगा। अब पूजा पाठ जैसे करते हैं, जैसे उनका विधि विधान होता सब करेंगे, फिर कहेंगे बेटा अब पूजा पाठ हो गया है, सब कुछ हो गया, अब देखो तुम्हारे घर में जो प्रेत या भूत या ब्रह्म राक्षस था या जिंद था या चुड़ैल थी, उसको मैंने इस नारियल में कैद कर दिया है। अब अभी मैं मंत्र पढ़ करके पानी मारूंगा और नारियल जल जाएगा, इसमें तो उसके साथ तुम्हारा प्रेत भी जल जाएगा। फिर वो मंत्र पढ़ता है, बुदबुदा झूठा सीधा जो भी मंत्र पढ़ता है, फिर पानी लेता है, मतलब फूंकता है और नारियल में मार देता है, नारियल में आग लग गई। मैंने कहा था ना कि उसको मैं आग में जलाकर भस्म कर, देखो अब तुम्हारे ये प्रेत जो है सब जल गया, तुम्हारा संकट दूर हुआ। तुम्हारा संकट दूर हो या ना हो, पंडित को दो चार हजार दक्षिणा मिल जाए, पंडित का संकट तो दूर हो गया, भले तुम पूर्ण सी बातें पढ़े। अब प्रश्न ये होता है कि नारियल में आग कैसे लग गई? पानी मारने से, मंत्र पढ़ने से? मंत्र पढ़ने से नारियल में आग नहीं लगी है, पानी से आग लगी है। अब वो कहोगे पानी कैसे आग लगेगी? ये लोग बड़े चालबाज होते हैं। एक केमिकल आता है सोडियम नाम का, नारियल के जटा को छील करके उसी में इतना बड़ा सोडियम छिपा करके रख देते हैं, और सोडियम में पानी पड़ेगा अपने आप आग लगेगी, चाहे मंत्र पढ़ो तो न पढ़ो तो। पानी मारो सोडियम में, पानी पड़ा सोडियम जलेगा अपने आप, पानी बुझाता है आग को, लेकिन सोडियम में पानी पड़ेगा तब आग लगेगी। तो चालबाजी उनकी है ना, आप भ्रम में पड़ जाते हो, इसलिए कभी भी भ्रम में मत पड़ो। ये दुनिया ऐसी है, सबके जीवन में संकट आया है और आगे भी आएगा, धीरज रखो, संतोष रखो, विवेक पूर्वक काम करते चले जाओ, धीरे संकट दूर होता जा। अभी देखो जितना जीवन बीता है इसमें छोटे बड़े संकट आए होंगे और बीत कर चले गए, आगे जीवन में संकट आएगा वो भी बीत कर चले जाएगा। धैर्य विवेक समझदारी पूर्वक काम करते जाओगे, समस्या का समाधान होता जाएगा, संकट दूर होता चले जाएगा। इसलिए भ्रम में, कल्पना में, अंधविश्वास में, चमत्कार में कभी मत पड़ो। ऐसे भी गुरु लोग होते हैं, उनका बड़ा मठ होता है, मंदिर होता है, और आपके सामने कोई समस्या आ गई, आप उनके यहाँ जाते हो, गुरुजी ये समस्या, गुरुजी समस्या है कि बेटा समस्या है, कारण हम जान गए हैं, ऐसा करना कि तुम जाओ यहां से दुकान से एक नारियल ले लो, अपने घर में रखना, दो दिन बाद मैं आऊंगा तुम्हारे यहां पूजा करने के लिए और वहीं पर तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। मंदिर के बाहर नारियल की दुकान है, अब वहां से एक मंदिर खरीद कर एक नारियल खरीद करके ले गए, दो दिन बाद गुरुजी आ गए, घर वालों को बुलाए, पूजा पाठ आदि किए, अब कहा बेटा तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर दिया था,
और वो सब मैंने पकड़ लिया है, और तुम्हें विश्वास ना हो नारियल जरा फोड़ करके देखो। आप नारियल फोड़ते हो तो लाल चुनरी निकलती है, बाल निकल जाते हैं, सिंदूर निकल जाता है। तो कहा देखो ना ये सब किया था ना, इसी के परिणाम में है। और है क्या, जहाँ से दुकान जिस दुकान से नारियल खरीदे हो वो तो गुरु जी चालक उसे मंदिर पीछे छील छील कर छेद होता है ना, उसमें से चुनरी डाल देते हैं, बाल डाल देते हैं और लाल रंग डाल देते हैं और चिपका देते हैं। वैसे दूसरे दुकान से खरीद कर नारियल लागो तभी सब कुछ नहीं निकलेगा, गुरु जी के मंदिर से कहीं खरीदोगे तब तभी निकलेगा। ये व्यापार है, धंधाबाजी। ये धंधेबाजी के पीछे मत पड़ना, सोचो विचारो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, दिमाग का प्रयोग करो, तर्क करो, विवेक पूर्वक काम लो। तो मैं ये कह रहा था कि किसी के गुरु छोटे नहीं होते और किसी के गुरु में कोई चमत्कार भी नहीं होता। चमत्कार गुरु लोग नहीं करते, चेले लोग करवाते अपने गुरु से। गुरु के मरने के पश्चात ये चमत्कार जोड़ दिए, वो चमत्कार जोड़ दिए, वो चमत्कार जोड़ दिए, वो चमत्कार जोड़ दिए। क्योंकि हमारे गुरु में जो त्याग था, तपस्या थी, साधना थी, वैराग था, उनके जीवन में जो महानता थी, अब हमारे पास तो है नहीं। अब हमें तो गुरु के नाम पर पूजाना खाना है, तो हम कह देंगे हमारे गुरु जी तो ऐसे थे, अमुक अवतार थे, अमुक अवतार थे, अमुक अवतार थे, गुरु जी की महिमा बढ़ा दिए और गुरु के नाम पर हम कमाने खाने लग गए। ये धंधा है, बिना पैसे का धंधा, केवल मुनाफा वाला धंधा। बात मैं ये कह रहा था कि जो गुरु ये कहते हैं तुम हमसे दीक्षा ले लिए हो और तुम्हें दूसरे गुरु के पास नहीं जाना है, दूसरे गुरु को नहीं मानना है, वो गुरु नहीं है, धंधाबाज आदमी है। क्योंकि वो आपको ठगना चाहता है। सभी मत के गुरु को मानो, आदर दो, सम्मान दो। अब जैसे अपने गुरु को मानते वैसा तो नहीं मानोगे, लेकिन आदर दो, सम्मान दो, उनके लिए प्रेम रखो, उनके लिए भक्ति भावना रखो। उनकी जो बात अच्छी लगे मान लेना, जो बात अच्छी ना लगे छोड़ देना, कोई जबरदस्ती थोड़े है। अपने गुरु की सारी बात कहाँ मान पाते हैं, कोई नहीं मान पाता अपने गुरु सारी बात, तो दूसरे गुरु सारी बात कैसे मान पाएंगे। अच्छाइयों को लेना है बस। अच्छाई को लेते लेते हमारा जीवन अच्छाइयों से भर जाएगा। बात मैं शुरू में ये कही थी कि जैसे हर गांव में मंदिर होते हैं और शमशान घाट भी होते हैं। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है और कहते हैं भगवान है, उसका रोज दर्शन किया जाता है। वहां जाकर के लोग दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और शमशान घाट में एक बार मुर्दा को जला करके राख कर, जला कर राख कर दिए तो खत्म, या दफना दिए हैं तो उसको देखता नहीं है निकाल करके। यही काम करना है अपने घर में रह करके, घर वालों की जो जो अच्छाई जान पड़े उनका अच्छाई को अपने हृदय के मंदिर में देवता के समान स्थापित कर लो और रोज उसकी याद करो। और कोई बुराई है वो उनके जीवन में, दोष है, उन्होंने आपका साथ गलत व्यवहार किया है, कटु कहा है, गाली दिया, अपमान किया है, उसको शमशान घाट में दफना दो, उसको याद मत करो, नहीं तो सड़ेगा वो। अब गलती कर रहा है, गलती पर कोई गलती कर रहा है तो प्रेम से समझाने की आवश्यकता पड़ती है, कभी डांटने की आवश्यकता पड़ती है, फिर जैसा हो व्यवहार में उठते निभाना पड़ता है। घर को स्वर्ग बनाने का और कल्याण की तरफ आगे बढ़ने का यही रास्ता है, यही मार्ग है। इतना दिन नहीं कर पाए तो न घर स्वर्ग बनेगा और न कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे। सभी गुरु लोग यही कहते हैं, जितने गुरु हैं सब हमारे लिए आत्मकल्याण का मार्ग बता रहे हैं।
अब हमें ही चलना पड़ेगा ना, चलने के लिए रास्ता यही है। सत्संग में बातें सुने, सुन करके एक कान से दूसरे से निकाल दिए या बता दिए कोई मतलब नहीं होता है। एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने तीन मूर्तियां बनाई, एक ही धातु की मूर्तियां थी तीनों, मान लो चांदी की मूर्ति, तीनों मूर्ति का वजन बराबर, तीनों मूर्ति की ऊंचाई चौड़ाई सब बराबर, और तीनों मूर्ति चांदी की, देखने में तीनों बिल्कुल बराबर है, वजन भी बराबर है, रूप रंग भी बराबर है। मूर्ति बनाने वाले ने तीनों मूर्तियों को बेचने के लिए बाजार में रख दिया। मूर्ति बड़ी सुंदर, एक मूर्ति की कीमत रखा 500 रुपये, दूसरी मूर्ति की कीमत रखा 1000 रुपये, और तीसरी मूर्ति की कीमत रखा 10000 रुपये। लोग आते थे, देखते थे, तीनों मूर्तियां बराबर, तीनों मूर्ति चांदी की, रूप रंग एक जैसा, लेकिन कीमत में बड़ा अंतर है। एक की कीमत 500, एक की कीमत 1000, एक की कीमत 10000, ऐसा क्यों? लोगों ने आखिर पूछा उस मूर्ति बनाने वाले से, कीमत में अंतर इतना क्यों है? तब उन्होंने लोहे की एक सीख उठाई, सलाई, और जिस मूर्ति की कीमत 500 रुपये थी, उसके दाहिने काल में वो लोहे की सलाई को डाला तो सलाई बाएं कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के जिसकी कीमत 1000 थी, उसके दाएं कान में सलाई डाला तो वो सलाई मुंह से बाहर निकल गई। तीसरी मूर्ति जिसकी कीमत 10000 थी, उसके कान में सलाई डाला तो सलाई पेट में जाकर के रुक गई, बाहर नहीं निकली। कहा देखो अंतर इसीलिए, जिसके कान में सलाई डाला, एक कान डाला दूसरे से निकल गई, इसलिए उसकी कीमत 500। जिसके कान में सलाई डाला और मुख से निकल गई सलाई, उसकी कीमत 1000। और जिसके कान में सलाई डाला और सलाई अंदर जाकर पेट में रुक गई, बाहर नहीं निकली, उसकी कीमत 10000। वो मूर्ति कौन है? वो मूर्ति हम और आप लोग हैं। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल गई तो कीमत 500। एक कान से सुने और जाकर दूसरे घर वालों को बता दिए महात्मा ने ऐसे ऐसी बात कही तो कीमत 1000। कम सुनकर याद तो रखे, और एक सुने तो सुन करके जीवन उठा लिए, पचा डाले तो कीमत 10000। आप सोचो हमारी कीमत कितनी होगी, या अपने अपने अपनी अपनी कीमत सबको लगा लेना है, दूसरे कीमत नहीं लगाएगा भाई। अपनी कीमत स्वयं को लगाना है हमको, कि हम 500 रुपये वाला मूर्ति हैं कि 1000 रुपये वाला कि 10000 रुपये वाला। अब कौन मूर्ति मूल्यवान है ये समझना है। गुरु जी तो बहुत बढ़िया बात बताते हैं, संत महात्मा बढ़िया बात बताते हैं, सुन लिए सत्संग में, सुने और निकाल दिए, या सत्संग से उठे, किसी ने पूछा कहाँ गए थे भाई, अरे गया रहिका में, सत्संग हो रहा था तो वहां गए थे। अच्छा तो क्या बताए? अरे बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताए भाई। तो सत्संग बढ़िया बात तो बताए, लेकिन बढ़िया बढ़िया क्या बात बताए? एक को बात याद नहीं है, क्योंकि सुने और निकाल दिए। दूसरे ने बताया भाई, हाँ भाई ये बात बताई, ये भाई दो चार बातें बता दी, लेकिन काम वही का वही, बस कीमत 1000 रुपया। कितने तो ऐसे लोग होते हैं, कई बार सत्संग में ऐसा समय आता है घंटा दो घंटा तीन घंटा तक सत्संग चला, महात्माओं ने संतों ने खूब अच्छे ज्ञान विवेक विचार की बातें बताई, जीवन आचरण की बातें बताई, सत्संग समाप्त हुआ, जैसे निकलते हैं जेब से निकल गया चुनर तमाव डिब्बा रगड़ना शुरू कर दिया, वहीं के वहीं
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमारे गुरु बहुत बड़े हैं ये कहने से काम नहीं बनेगा। हम में कितनी बड़ाई आई गुरु के आचरण को, हमारे गुरु गुरु ऐसे चमत्कार करने वाले, तुम में कितना चमत्कार आया? चमत्कार तो ऐसे कुछ होता नहीं, चमत्कार क्या है? अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वाणी को, सबको संभाल करके रखना, संयमित रखना, ये चमत्कार है। और कल्याण इसी से होगा, लेकिन इसमें कठिनाई है क्योंकि आदत बिगड़ी हुई है। उसी घर में रहना है आप, लेकिन धीरे 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 सुधार करते जाना है। आप सत्संगी हैं, भगत हैं, पुजारी हैं, धार्मिक हैं, और आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी पुजारी बने, आपका बेटा भी धार्मिक सत्संगी और भगत बन जाए, और आप कहते हैं कि बेटा अच्छे मार्ग पर चलना, संतों सेवा करना, भक्ति करना, ठीक है बेटा करेगा। लेकिन जरा ये कल्पना करो, आपको सत्संग करते करते 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, 40 साल हो गए सत्संग करते करते, आप अपने बेटा को कहते हो कि बेटा संत आए हैं, तुम भी चलो संतों पास थोड़े ज्ञान की बातें सुने। आपके बेटे ने प्रश्न कर दिया, पिताजी आप तो 10-20 साल से सत्संग कर रहे हैं, 30 सालों को सत्संग करते करते आपने क्या सीखा? आपका गाली देना नहीं छूटा, आपका झूठ बोलना नहीं छूटा, आपका गुस्सा करना नहीं छूटा, आपका लड़ना नहीं छूटा, सत्संग पिताजी आपने सत्संग में क्या सीखा? तो क्या उत्तर दोगे आप? आपका बेटा, आप हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा आदमी बने। जरा कल्पना करो, आप जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं, आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है और बात हमारे लिए भी है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा आदमी बने। आपका बेटा आपसे पूछे कि पिताजी ये बताइए कि आपके जीवन में कौन कौन सी अच्छी बात है जिसको मैं ग्रहण करूं, उत्तर देने की स्थिति में हो या नहीं? यदि कह सको बेटा मेरे जीवन में ये अच्छी बातें हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, सत्संग और धर्म जीवन में उतर गया है। और बेटे ने कहा पिताजी आपके जीवन में कौन कौन सा अच्छा है, कौन सी महानता है, कौन सा सुंदर आचरण है जिसे मैं धारण करूं? और पिता बेटा की बात सुन करके आप उत्तर नहीं दे पाए तो एक बार आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, मंदिर जाने मात्र से काम नहीं चलेगा, जीवन को बदलना पड़ेगा। धर्म का अर्थ ही होता है जीवन का परिवर्तन। जीवन परिवर्तन मतलब जीवन के आचरण का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन। और अनेक लोग परिवर्तित होते थे। इसी बिहार की बात है, 5-6 साल पहले एक गांव में था, एक जिले में, वहां एक अच्छा लंबा चौड़ा आदमी, खूब तगड़ा स्वस्थ, 45-50 साल की उम्र, सब उसे कबीर साहब कहते थे। गांव भर के लोग, आसपास के लोग भी उसे कबीर साहब कहते थे। और बहुत सज्जन सेवा परायण और गरीब लोगों की सेवा करने वाला आदमी था। कबीर साहब के विचारों को मानता था, कबीर साहब के अनुयायी थे, कबीर पंथी संत दीक्षित थे, तो लोग उसे कबीर साहब कहते थे, बुलाते थे। लेकिन ऐसा कब बने वो? पहले वो बड़ा खूंखार था, 2-4 हथियार लेकर, बड़े लाठी लेकर ही चलता था। लोग गांव भर के लोग उसे डरते थे, देखते थे व्यक्ति आ रहा रास्ता से तो लोग रास्ता बदल देते थे, इतना खूंखार था।
एक बार वो कहीं जा रहा था, कहीं से आ रहा था, तो गांव में सत्संग हो रहा था। क्या मन हुआ कि भाग्य जगा के कर्म जगा, जाकर सत्संग में बैठ गए चुपचाप। घंटा दे घंटा सत्संग सुनता रहा और सुनते सुनते मन बदल गया। एक डेढ़ घंटा सत्संग में सीधे मन पर चला गया हथियार लेकर के, और वहां से जो बड़े गुरु थे ने कहा मुझे यही कहीं अपना चेला बना लो, दीक्षा दे दो। महात्मा समझाया, फिर उनकी दीक्षा हो गई। अब सब बिल्कुल छोड़ दिए, मारना पीटना लाठी डंडा बंदूक सब छोड़ दिए। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि जीवन में उतर गए ना धर्म, उसका ज्ञान की बात है, जीवन में उतर गई, बदल गया जीवन, इसीलिए तो हम सब करते हैं ये। और जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया है तो फिर सत्संग किसके लिए कर रहे हैं। यहां से जाओ घर में जाकर कि बेटा बहुत से झगड़ा करो, भाई से झगड़ा करो, पिता से झगड़ा करो, तो मतलब क्या होता है? दिखावा। हमारी बात हो चाहे आपकी बात हो, चाहे ऊपर हम लोग बैठे हो या नीचे आप लोग बैठे हो, सबके लिए नियम यही है। हमारे लिए नियम अलग, आपके लिए नियम अलग, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम और आप मनुष्य हैं। बस रास्ता एक ही है शांति का, कल्याण का। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। तो भजन में सुना था कि सबके गुण अपनी बुराइयां रोज देखा करो, यही तो भजन है। भजन करना यही तो धर्म करना है, यही तो साधना करना है। अपनी बुराइयों को देख देख करके निकालते जाना और दूसरों का अच्छाइयों को देख देख करके सीखते जाना, सीखते जाना, ग्रहण करते चले जाना। सारी बुराइयां निकल गई, जीवन अच्छाई अच्छाई रह गई, यही तो भगवान को पाना है, यही तो शांति पाना है। भीतर भगवान उद्घाटित हो गया था, कल मैंने कहा था भगवान पाना नहीं है, बैठा है भगवान को उद्घाटन करना है। भगवान बाहर से मिलेगा तो छूट जाएगा, क्योंकि जो आएगा वो जाएगा जरूर, मिलेगा तो छूटेगा जरूर, ये नियम है प्रकृति का। सूरज उगता है तो डूबता है, डूबता है तो उगता है, रात होती है फिर दिन होता है रात होती है, मिलता है तो बिछुड़ता है, जन्मता है वो मरता है, बनता है वो बिगड़ता है। भगवान जब बाहर से मिल जाएगा तो मिल करके छूट जाएगा, फिर वैसे दुखी दुखी। किसी ने आपको हीरा दे दिया, हीरा पाया बहुत खुश हो गए, फिर हीरा मांग लिया, फिर एक कंगाल के कंगाल। हीरा जब आपका होगा ना तब आपकी दरिद्रता दूर होगी, अपने हीरे को आप बेच सकोगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी ने आपको हीरा दे दिया रखने के लिए, आप बहुत खुश, अरे मेरे पास हीरा है, दो दिन बाद मांगा उसने जो कहते हो, ऐसे आपका भगवान आपके भीतर का भगवान है तो कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि भीतर में बैठा ही है हमेशा। बाहर ताकर मिला, एक दो दिन रहेगा, लौट कर चले जाएगा वापस, फिर वही दुखी की दुखी हो जाओगे। इसलिए भगवान पाना नहीं, भगवान मिला मिलाया है, समझना है। और समझने के लिए अपने दोषों को, दुर्गुणों को, आसक्तियों को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, आदतों को छोड़ते चले जाना है। ये सब छूट गए, भीतर भगवान प्रकट हो गया। अज्ञान, अविद्या, अहंकार, लोभ, मोह, यही पर्दा है। कबीर साहब का भजन सुना होगा आप लोगों ने, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा। अविद्या क्या है? लोभ, मोह, राग, द्वेष, वैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा, राग, रंग, मोह, माया, यही सब घूंघट है। इसी के पर्दा को ज्ञान से, विवेक से, विचार से, सेवा से, भक्ति से, सत्संग से फाड़ना है। ये पर्दा फट गया, पर्दे के भीतर जो भगवान बैठा था, बैठा है हृदय में, उसका दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया।
भटकना नहीं है, समझना है, समझ करके जीवन को परिमार्जित और परिशोधित करना है और उद्घाटन कर देना है। इसलिए शुरुआत में क्या करना है, अपनी कमियों को दूर करते चले जाएं, दूसरे के अच्छाइयों को ग्रहण करते चले जाएं, एक भूमिका तैयार हो जाएगी, एक नींव तैयार हो जाएगी। और जब ऐसे हो जाएगा तब तो और सेवा भक्ति करेंगे, ध्यान चिंतन करेंगे, तब वो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। आप घर में रहते हो, काम धाम करते हो, करना पड़ेगा, लेकिन उसी में समय निकाल करके एक घंटा कुछ ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और रोज ध्यान करो। 23 घंटा आप ज्यादा कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तो और बढ़िया है। नहीं कर सकते हो, हर स्त्री पुरुष को, हर गृहस्थ को 24 घंटा में 1 घंटा, 23 घंटा आप परिवार के लिए, दुनिया के लिए दे दो, 1 घंटा अपने लिए निकालो, अकेले बैठो, कुछ ज्ञान के ग्रंथ थोड़ा पढ़ो, फिर ध्यान करो, चिंतन करो और रोज रोज अपने मन को देख करके मानते चले जाओ। ऐसा करते मांझते मांझते, जैसे दर्पण को हम मांझते हैं, कांच चमकता है, चेहरा साफ दिखाई पड़ता है, अपने को मानते जाएंगे तो पता चलेगा, अरे जिस भगवान को मैं खोज रहा था तो हृदय बैठा है, मैं ही हूँ। अब जब मैं से मैं बिछुड़ेगा कैसे, हम सब कुछ को छोड़ सकते हैं, अपने को तो नहीं छोड़ सकते है ना। तो अपने को पाना है मानो भगवान को पाना है, और अपने को पाना क्या है, मन को लौटाकर अपने में स्थित कर लेना है। इसी के लिए सत्संग भक्ति धर्म का काम है। आप लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, आस पास में बहुत सत्संग हुआ करता है, प्राय सत्संग हुआ, आपके गांव में भी पहले हो चुके हैं सत्संग, समय समय से सत्संग संतों बुलाकर सत्संग करते रहे, आस पास में कहीं सत्संग होता है वहां जाएं, किसी भी मत का सत्संग हो, सत्संग में बांटो मत, ये संत मत का सत्संग है तो ये कई पंथियों का सत्संग है, ये आर्य समाजों का सत्संग है कि आसस्वामियों का सत्संग है, निरंकारियों का है, एक वैष्णव का है, वेदांति का है, बांटो मत। अरे मकान बांटा, जमीन बांटा, धरती बांटा, पैसा बांटा, भगवानों सत्संग को भी बांट डाला, ये सूरज किसका है, ये सूरज हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है कि संत मत वालों का है, कि पंथी का है कि निरंकारियों का, स्वामी का है, आर्य समाजी का है, वैष्णव किसका है, ये चंद्रमा, ये धरती, अवकाश, ये पानी और हवा। अब ऐसा करना, बाजार जाना ना, तब दुकानदार से कहना मुझे कैरपंथी पर्वत देना भैया, ये संत मत वाला पर्वत नहीं चाहिए है। जब परवल का पंथी नहीं होता, संत मत वाला नहीं होता, वैष्णव वेदांति नहीं होता तो सत्संग कैसे हो गया, फिर भटक गए हो। संत मत का सत्संग होता वहां जाओ, कई पंथी होता वहां जाओ, जहां सत्संग होता, सत्संग मतलब जहां सत्य की चर्चा होती है, जहां सत्य का ज्ञान दिया जाता है, और वो ज्ञान भी निष्पक्ष होकर के दिया जाता है, वो सत्संग है, वहां जाओ और जाकर के प्रेरणा प्राप्त करो, और प्रेरणा प्राप्त करके कल जिसके जीवन मिला कल्याण का मार्ग, वो कल्याण पाने के लिए सेवा भक्ति करते रहो, धीरे धीरे कल्याण पथ में आगे बढ़ जाओगे और मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। 2 दिनों का सत्संग कार्यक्रम ये समापन वेला है, आप लोग बहुत देर से बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से, शुभ सबके लिए शुभकामनाएं हैं। संतों गुरुजनों सत्संग करते हुए सेवा भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को परमार्जित करें, मन को शुद्ध करें और परम आनंद, परम शांति, परम संतोष का अनुभव करें, और अनुभव करके कल्याण प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरुदेव।